भैया का कहे के बोलवे 30 साल से पिछला प्रोग्राम हम कराओ थे लेकिन आज तक हमारा मंच पर ऐसा प्रोग्राम ना हुई रहे। जनता खुश, हमार परिवार भी खुश, जो हमार वाइफ कभी स्टेज बना भी रहे नाच दिलस डांस कर दिलस तभी अलग का बात क्या बोलवे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम भाई। गुड मॉर्निंग दिल्ली, ये सुबह का समय है। नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह। दिल्ली प्रोग्राम था और बैक टू बैक दूसरे दिन ही कार्यक्रम था लुधियाना के लिए, तो हम लोग लुधियाना कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं। आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है, आइए हमारे साथ। हमारा गुड नाइट बॉयल बा गजब कार्यक्रम, पूरी रात सारा दिल्ली छान मारे कार्यक्रम करके। पिछली रात अलका का एक ही साथ 3 कार्यक्रम था, आज शाम हम लोग लुधियाना में जलवा बिखेरेंगे, तो आइए हमारे साथ। आप सभी को बहुत आनंद आएगा हमारे इस ब्लॉग में। कुछ घंटे यात्रा के बाद हम लोग आ गए हैं अभी लुधियाना। दोपहर हो चुकी है, सबकी आंखों में नींद है। 4-5 घंटे की यात्रा करने के बाद बॉडी में और थकावट है। लगातार कार्यक्रम होने की वजह से, नींद नहीं लेने की वजह से गला खराब भी हो सकता है, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना समय मिले उसमें आराम करें और गले को रेस्ट दें। लुधियाना स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर, और यहाँ पर हमें मिलेंगे कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने हमें बुलाया है इस कार्यक्रम में, झाबर सिंह भैया ने। ये देखिए सामने झाबर सिंह भैया जी हैं। अरे झाबर भैया, झाबर भैया बहुत सरल स्वभाव के और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। इनसे मिलके हमें आत्मिक सुख मिला। थकान से सबकी आंखें ओझल हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोग लुधियाना आ चुके हैं एंड जब भैया भी आ गए, अब हम लोग चलते हैं होटल। लुधियाना में हमने सुना है कपड़े, जैकेट, उलेन शॉल बहुत सस्ते और रिजनेबल रेट में मिलते हैं, क्योंकि यहीं पर बनते हैं। समय मिला तो जरूर खरीदारी करेंगे। शाम में हम लोग का कार्यक्रम इसी जगह पर होने वाला है। टेंट तंबू लग गया, स्टेज बनने वाला है। यहाँ पर झूला देख के अलका की आंखें खुल गई हैं। देखिए हमारी ठाकुराइन को झूला बहुत पसंद है, इसलिए वो पूछ रही हैं। अभी सीधे हम लोग झाबर भैया के घर पे भोजन ग्रहण करने के लिए आ गए हैं। लोग झाबर भैया के आ गए, वहाँ पे खाना वाना खाया एंड अभी हम लोग आ गए होटल पे। अब जा रहे हैं सोएंगे, फिर मिलेंगे हम आपको शाम को। जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यूपी बिहार के भाई लोग का पूरा यहाँ पे दबदबा है, तो बहुत मजा आने वाला है शाम को। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग अब सीधे जाएंगे बेड पर, सो जाएंगे, उठने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। ये वाले आप लीजिए, तो कैसा लग रहा है ये? हाँ थोड़ा सा डाल के देखिए, ठीक लग रहा है। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, एक बार थोड़ा डाल के देखिए इसको, ऐसे एकदम देसी हो गए आप। कैसे लग रहा है ना? कैसा लगता भैया? तो हम हो गए तैयार लुधियाना प्रोग्राम के लिए। ये छठ के ठीक दूसरे दिन प्रोग्राम होता है अगले दिन, तो अब चलते हैं मंच पे, आप सभी को वहाँ यानी मतलब यहाँ की जनता से मिलवाते हैं। प्रोग्राम हमने के बहुत बढ़िया लगा, हमारा पूरा परिवार फैमिली बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे ब्लॉग्स देखने वाले, गाने सुनने वाले बहुत सारे लोग मिलते जा रहे हैं। अब आइए मिलवाते हैं लुधियाना में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से। चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर। आज भी आप भी आ जाइए। अब हम लोग परफॉर्मेंस करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और आ चुके हैं मंच पर। ऐसन ज्ञानी के ज्ञान उजागर होके खातिर हमनी ऐसन बुर्बक नादान जरूरी होला। अरे माटी के महक लेके आई बलो अलका और मनोहर, ये माटी के महक से हमनी अपने जन्म धरती से दूर बानी जा। कृष्ण है पूर्वांचली इस लुधियाना में। लुधियाना में रहने वाले सभी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के हमारे भाइयों आयोजकों से हमें सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ सम्मान और फोटो सेशन के बाद आप देख सकते हैं बगल में हमारे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के रहने वाले बहुत सारे मेरे भाई हम लोग को देखने के लिए सुनने के लिए आए हुए हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं और धमाकेदार प्रस्तुति के लिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। तो एक बार खुल के दिल खोल के मनोहर के आशीर्वाद प्यार दे के बाद का कहे के बा भैया हो, ए हे का हो ओके के बोले सर, ए बोले के बच्चो 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 आई कहत की
श्रोताओं को कनेक्ट करना, अपने से जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। प्रस्तुति से पहले हम चाहते हैं कि जनता हमसे कनेक्ट करे। आज इतना खूबसूरत नौ युवक छठ पूजा समारोह 2023 मंच के और मंच से जुड़ा हर एक सदस्य के जहाँ तक हमारा आंख जाता और हमारा आवाज जाता, आप सबके हम मल्का सिंह पहाड़िया पैर छू के प्रणाम करता नहीं और स्वागत करता नहीं ये मंच के माध्यम से। तिरछी नजर से मुझको इशारा न कीजिए, अरे इतनी अदा से जुल्फे सवारा न कीजिए। सबसे जोर ये सबसे जोरदार सिटी मारी, ओके उल्लैकी सिटी मारी। ए भैया जे सबसे जोरदार सिटी मारी इस सिटी मारवा ना फिर बड़ा दरअल हो। इस तरीके से हम लोगों ने एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस और प्रस्तुतियां रखी और पब्लिक झूम उठी। आप देख सकते हैं अलका की प्रस्तुति भी जारी है। हमार हो के हमार ना भई कि रात रात रह गई भिमसार ना भई कि ओकरा जिंदगी के का पूछले बड़ा बाबू कि मोतिहारी वाले भैया के रहते हमारा जीवन में सिंगार ना भई। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित आप सबके भौजाई के जे हमसे बड़ बा छोट बा सबके हमार प्रणाम बा। बहुत हाथ देखे ऊपर करे के जितना हो उतना ही बोल दे सच्चे दरबार की, बोल दे मैया महारानी की। मलखा के चुनरी सर से हार सरक जाला के पिया मिलन के आस में हम लोगों ने प्रोग्राम किया बड़ी ईमानदारी से और बहुत मेहनत किया और जितना हम लोग को करना था उससे कहीं हमेशा हम लोग आगे बढ़ के कोशिश करते हैं परफॉर्म करें। और भैया जैसा इंसान, जबर भैया जैसा इंसान, मतलब नाम ना बा हम दिल के बात बतावा थी। इन्होंने प्रोग्राम आयोजित करवाया और उसके बाद जिस तरीके का सम्मान चाहिए कलाकार को, घर पे ले जाके खिलाना पिलाना, फिर होटल में हर चीज का ध्यान रखना, तो झाबर भैया का जैसा व्यक्तित्व, आपके जैसा व्यक्तित्व भैया बहुत रेयर है बा, लेकिन बना के भी रखला के जरूरत बा। बहुत धन्यवाद। तो ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे और लुधियाना की जितनी भी जनता है, जो भी आयोजक समिति में झाबर भैया तो बटले वाणन के साथ है और भी जे लोग रहो पप्पू जी, पप्पू भैया के सब लोग के दिल से धन्यवाद करते हैं इतना शानदार आयोजन खातिर और इतना प्यार दिले खातिर। थैंक यू सो मच।